नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला में हैं हम। दरभंगा स्टेशन के पास आज रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन किया जा रहा है। पूरा मामला बता दें इससे पहले शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार। आपको बता दें कि आज 9 जुलाई 2020 रेलवे मोदी सरकार ने 150 से अधिक ट्रेनें प्राइवेट को चलान देने और रेलवे की 50% पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला देश की रीढ़ पर चोट करने जैसा है। देश का छात्र नौजवान ऐसा कतई नहीं होने देगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आइसा इनोस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला दहन किया गया है। इस अवसर पर पुतला दहन की अध्यक्षता आयशा जिलाध्यक्ष प्रिंस राज ने किया है। विशेष कवरेज देखिए, अब इंटरव्यू सुनाते हैं और यहां पर कौन कौन मौजूद थे वो हम आपको बता दें। कार्यक्रम में मौजूद रहे पुतला दहन में मयंक कुमार यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तालीब, नवीन कुमार चौधरी, राहुल कुमार चौधरी, अनीस कुमार झा सहित अन्य लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं। संदीप कुमार चौधरी राज्य सह सचिव आयशा। देखिए विशेष कवरेज, अब इंटरव्यू सुनाते हैं आपको, लेकिन एक अनुरोध है कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा जिससे सभी लोगों तक यह न्यूज पहुंच पाए। आप देखिए पूरा कवरेज और सुनते हैं जो संदीप चौधरी हैं उनका इंटरव्यू। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन आरवाईए के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारत सरकार के रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल का पुतला दहन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर किए हैं। आप देखिए कि महामारी के आर में भारत की सरकार रेलवे का निजीकरण करने की पूरी कोशिश कर रही है और 150 से ज्यादा ट्रेनों का निजीकरण कर दी है। 50% से ज्यादा जो सीट है उसको खत्म करने का फरमान जारी किया गया है। इसके खिलाफ आज देश भर के छात्र नौजवान सड़कों पर हैं और हमारा एक ही नारा है कि गरीबों की सवारी रेलवे है, जिसको बेचने की जो साजिश है वो हम नहीं होने देंगे। और आज निश्चित रूप से इस लड़ाई की शुरुआत है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार रेलवे की निजीकरण करने की चाहत रखते हैं तो निश्चित रूप से देश का छात्र नौजवान आज सड़कों पर है और हम मांग करते हैं कि जितनी भी सीट रिक्त पड़े हुए हैं उस पर बहाली के सूचना विलंब जारी करो और निजीकरण का जो फैसला लिया गया है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा और दिल्ली के संसद भवन तक के घेराव तक ये कार्यक्रम जाएगा। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में रेलवे एक ऐसी संस्था है, पूरे देश भर में बेरोजगारों का एक रोजगार का आस था, जिसको सरकार ने, मोदी सरकार ने आते ही रेलवे का निजीकरण किया है और रेल के तमाम जो मजदूर है उसके जो नौजवान है उसको छटनी करने का जो फरमान जारी किया है 50%, उसके सीट के जो कटौती करने का जो इस तरह का फरमान जारी किया है, और ये जो ट्रेन का जो निजीकरण करने का जो बात कर रही है वो सरकार वापस ले, और इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और यह संघर्ष और आगे भी बढ़ेगा। क्या नाम हुआ? केसरी कुमार यादव।